वॉइस कल्चर पे, वोकल डायनेमिक्स पे बहुत बार पहले भी बात की हुई है। आज पंडित अजय चक्रवर्ती जी, उनका एक सेशन मैंने देखा था जिसमें एक नई चीज़ मैंने जानी, एक सीखी है वॉइस ट्रेनिंग के ऊपर, वोकल ट्रेनिंग के ऊपर। तो आज जैसे कि टाइटल और थंबनेल से आप देख सकते हैं कि 6 तरीके मैं आपको बताऊँगा स्वर लगाने के। तो बेसिकली वो वोकल डायनेमिक्स से ही रिलेटेड टॉपिक है कि किस तरह से आप अपना हर स्वर, अब उसके लिए सारे गम पधनी ज़रूरी नहीं है, हम साउंड की यहाँ बात कर रहे हैं, उसके लिए मेल या फीमेल की ज़रूरत नहीं है, हम हर प्रकार के सिंगर की बात कर रहे हैं, इसके लिए उम्र की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बिगिनियर, एडवांस या इंटरमीडिएट स्टेज की ज़रूरत नहीं है, ये हर प्रकार के सिंगर के लिए है। और इवन शुरुआती दौर में ही इन चीज़ों को अगर जान लें तो बेहतर होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की चीज़ें आप गाएंगे, और ये सिर्फ इंडियन क्लासिकल वोकल के लिए नहीं है, ये हर प्रकार के सिंगिंग के स्टाइल के लिए है, क्योंकि ये आवाज़ लगाने का तरीका है कि किस तरह से आप 6 प्रकार से आवाज़ें लगा सकते हैं, ये उनकी अपनी रिसर्च है। तो मैंने जाना, सीखा, देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाए ये चीज़ और उस पर थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए कि कैसे हम लोग भी उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं अलग अलग तरीके से भी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और जानिए कि कैसे आप कर सकते हैं उन चीज़ों का रियाज और कौन से हैं वो 6 तरीके। मैंने नदिया किनारे देखे राम जी, मैंने गंगा किनारे देखे राम जी, मैंने गंगा किनारे देखे। Voice training, dynamics and modulation. This is the most important part to become rich. तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है, वैसे एक छोटा सा वीडियो जो आपने शुरुआत में देखा था जिसमें अजय जी स्टूडेंट्स को समझा रहे थे, उसमें उन्होंने बोर्ड पर ये सारे डायग्राम्स बना रखे हैं अलग अलग 6 तरीके के, या जो वोकल है या जो आवाज़ है वो किस किस तरह से साउंड करेगी या दिखेगी अगर हम उसके प्रकार जानेंगे तो। तो एक बार ये स्क्रीन पर जो है उसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए या ड्रॉ कर लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि अब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला जो पहला आप देख सकते हैं, फर्स्ट एक सीधी सीधी लाइन है, फिर आप देख रहे हैं एक मोटी लाइन है, उसके बाद आप देखेंगे सीधी लाइन जा रही है और उससे 2 ब्रांचेज निकल रही हैं, उसके बाद उसी का ऑपोजिट है कि 2 ब्रांचेज आ रही हैं उससे एक सीधी लाइन जा रही है, फिर एक सीधी लाइन जा रही है, बीच में से अचानक मोटा होता है और फिर से वो सीधी लाइन में मर्ज हो जाता है, और उसके बाद जो आखिरी है वो क्या है, 2 ब्रांचेज आ रही हैं, मर्ज होके एक लाइन बनती है और उसके बाद वो वापस आगे आपका मुंह दोबारा 2 ब्रांचेज में खुल जाता है। तो अब ये क्या चीज़ है, वैसे तो छोटा सा एग्जांपल उस वीडियो में भी आपने देख लिया, लेकिन अब इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सीधी सी बात है, फेड इन एंड फेड आउट, ये टॉपिक है बेसिक। आप आवाज़ को कैसे हल्का कर लेते हैं और कैसे चौड़ा कर लेते हैं, एक बार इसकी ज़रूरतों पर बात कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज की ज़रूरत क्यों पड़ती है या इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है। जब भी आप गाने गाते हैं अलग अलग प्रकार के, क्लासिकल होगा या फिर आपका लाइट म्यूज़िक में बॉलीवुड होगा या ठुमरी होगी, दादरा होगी, गज़ल होगी, कव्वाली होगी, कुछ भी होगी, वहाँ अलग अलग भावों को देने के लिए अलग अलग प्रकार से आवाज़ का लगाव होता है। सीधी सी बात है, अलग अलग लहजे होते हैं, जैसे कि मैंने कई बार समझाया है कि जब हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई चीज़ मांगनी है, तो हमारा टोन अपने आप ही थोड़ा सा हल्का हो जाता है, प्लीजिंग टोन हो जाता है, कर्कश या वेरी बोल्ड हमारा टोन नहीं होता है। स्वर क्या है, स्वर टोन है, यानी किस प्रकार की आवाज़ का लगाव। ये जो सारे सुर हैं हम देखते हैं ग्रामेटिकली कि भाई सारे ग म प ध नि, फिर कोमल स्वर, तीव्र स्वर, अलग अलग पिचेस, तो ये सारी चीज़ें हम ग्रामेटिकली याद तो कर लेते हैं या फिर इनके बारे में टेक्निकली जान भी लेते हैं कि भाई 12 पिच हो जाते हैं, हैं थाट अलग अलग हो जाते हैं, 10 थाट बन जाते हैं, कोमल सुर भी होता है, तीव्र भी होता है, 4 कोमल होते हैं, 1 तीव्र होता है, ये शुद्ध सुर हैं, लेकिन इनका, इनकी टोन का भाव से क्या लेना देना है उस पर हम कम सोचते हैं। जैसे अगर आप देखें
राग और रस की अगर हम बात की करते हैं तो आप देखते हैं कि उत्तरांग प्रधान जो स्वर होंगे यानी पंचम से ऊपर ऊपर जो आपके स्वर होंगे उनमें थोड़ी बोल्डनेस होती है, तो वो आपके अंदर का कुछ कोई रिक्वेस्ट ही है लेकिन एक पेनफुल रिक्वेस्ट है। जैसे जब हम भैरव गाते हैं तो इसीलिए भैरव को माना गया कि वो है तो करुण रस की लेकिन वो उत्तरांग प्रधान है, ऊपर के सुर उसके ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि दैवत उसका वादी है, आप देख सकते हैं है ना कोमल धर, तो उसमें रिक्वेस्ट तो होती है लेकिन एक पुकार होती है, एक आतनाद होती है जिसे हम कहते हैं है ना। उसी तरह से अलग अलग सुरों के अलग अलग भाव होते हैं, इसीलिए हमें ये वाली टेक्निक सीखना ज़रूरी है क्योंकि आप प्लेन वॉइस टोन से एक जैसी मोनोटोनस टोन से हर गीत नहीं गा सकते और हर गीत का सुर का लगाव वही नहीं होगा। जैसे ये तो मैंने पहले भी बताया कि भाई आप शास्त्रीय संगीत में कोई तान ले रहे हो या कोई चीज़ गा रहे हो तो उसका वॉइस थ्रो अलग होगा, लेकिन यही चीज़ गज़ल में गीत में हो रही हो तो उसका वॉइस थ्रो अलग हो जाएगा और इमोशंस देने के लिए कई बार वॉइस बदली जाती है। अब क्या होता है, हम अक्सर देखते हैं कि आवाज़ को मधुर बनाने के लिए, सुर में लाने के लिए हम आवाज़ हल्की कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हल्की करना गलत है मगर एवरी टाइम वो चीज़ करना वो चीज़ गलत है भाई, अकॉर्डिंग टू द इमोशन। अगर मैंने बताया पहले भी एग्जांपल आपको दिया है कि अगर यलगार की बात की जा रही है, उद्घोष की बात की जा रही है, किसी को ललकारना है आपको तो आप प्यार से नहीं बोलेंगे, वहाँ दम चाहिए, दमखम चाहिए आवाज़ में है ना। इसीलिए जब मैंने बोला भी मोटिवेशनल या वीर रस के गीत जब आप गाते हैं, सुखविंदर सिंह जी के गीत आप सुने तो कितना उनमें एक पंच होता है, लेकिन यही सुखविंदर साहब के ही आप दूसरे गाने भी सुन लीजिए जहाँ पे नर्म बात की गई होगी, कोई करुण रस की बात की गई है या श्रृंगार की बात की गई, तो वहाँ उन्होंने उतने दमखम से नहीं गाया है, उतनी ही लाउडनेस से नहीं गाया है। तो इसे ही हम वोकल डायनेमिक्स कहते हैं, वॉइस कल्चर भी इसे कहते हैं कि आवाज़ का सांस्कृतिकरण है, अकल्चरेशन है, कि उसको कल्चर किया जा रहा है कि किस तरह से कौन सा सुर कब कहाँ कैसे लगाना है। ठीक है, तो आज हमारे ही एक स्टूडेंट के साथ बीरेन प्रधान जी, इनके साथ मिलकर हम उन 6 तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे और अलग अलग सुर लगा के देखेंगे। वैसे टॉपिक बड़ा छोटा सा है, सरल सा है, लेकिन इस पर इतनी ज़्यादा बात इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ये ज़रूरत क्यों है करने की, उसको सोचना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है, तभी जाके इसका यूजेज कर पाओगे, वरना ये टेक्निक्स तो सीख ली लेकिन हुआ क्या, गाने में उनका कहीं एप्लीकेशन नहीं हुआ, तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा इनको सीखने का। तो गानों में एप्लीकेशन तभी होगा जब आपको ये पता होगा कि ये तरीके हैं क्या और लगाए कहाँ जाते हैं है ना, और इनकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो आइए अब फिर से कर लेते हैं एक बार। सा आपको सुनाई दे ही रहा है, तानपुरा, सी शार्प चल रहा है यहाँ पे, इसको आप अपने पिच से कीजिएगा। सबसे पहले सीधा सीधा सा है हमारा, हल्का है ना, हल्के गले से जैसे हम लगाते हैं। जब मैं कहता हूँ सा लगाना है तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आकार की बात की जा रही है, अकार की बात नहीं की जा रही है, यानी कि आपका आ बड़ा मुंह खोलना चाहिए। अब देखा जाए तो इस एक्सरसाइज को आप हर एक सुर के साथ कर सकते हैं, एंड बाय स्वर आई मीन हिंदी वर्णमाला के स्वर, जो हम वॉवल्स देखते हैं ना, अ आ ई उ है ना, देखा जाए तो सारे वॉवल्स के साथ ये एक्सरसाइज की जा सकती है। और वॉवल्स का रियाज तो मैंने बहुत बार आपको बताया हुई है, अ उ ओ ओम, ये जो 5 अक्षर हैं जो जिनसे आपका ओमकार बनता है। देखिए रियाज बहुत सारे होते हैं, कोई एक रियाज नहीं है जिससे सब कुछ सारा इलाज हो जाता है, इसीलिए आप थोड़ा रियाज यहाँ से समझते हैं, थोड़ा यहाँ से समझते हैं, थोड़ी टेक्निक यहाँ से समझते हैं, एक टेक्निक यहाँ से सीखी, एक इनसे सीखी, एक उनसे सीखी। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मैंने तो एक गुरु मान लिया, वहीं से जो टेक्निक्स मिलेगी वही करूँगा, दूसरी कोई टेक्निक मैं नहीं सीखूँगा, ऐसा नहीं है। टेक्निक्स आप अलग अलग सीख सकते हैं, बट एज आई ऑलवेज से, इट इज़ नॉट व्हाट यू डू, इट्स हाउ यू डू इट। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है किस तरह से कर रहे हैं। टेक्निक्स तो हम सीख लेते हैं, अलंकार सीख लिए हमने, पलटे सीख लिए, रागें सीख ली, बंदिशें सीख ली, गाने सीख लिए, तालें सीख ली, लेकिन करना कैसे है, जिसको कहते हैं कि निकास, तो गुरु ही बताता है। निकास यानी उसका एग्जीक्यूशन, यानी कि किस तरह से होगा। भाई बहुत सारी तबले में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपने बहुत सारे टुकड़े पलटे सीख रखे लेकिन बजाना नहीं आता है, हाथ का रखरखाव नहीं है, तो फिर कैसे सुधरेगा, असर कैसे होगा, असर उसके निकास पर है। तो वही ये कुछ निकास की ही टेक्निक्स हैं कि आपको वो सा लगाना है या फिर आ लगाना है या ऊ लगाना है, कोई भी अक्षर बोलेंगे, कोई भी स्वर बोलेंगे, क्योंकि गीत में तो बहुत सारे स्वर आएंगे ना, ज़रूरी थोड़ी है कि सब आ पे ही हो जाएगा। अब हम रियाज तो सारे गम पधा निशा का करते हैं लेकिन गानों में कहीं भी सारे गम पधा निशा नहीं गाते। अगर हम लाइट म्यूज़िक गा रहे हैं, लाइट म्यूज़िक में तो हम अक्षर गा रहे होते हैं, तो अक्षरों का भी रियाज होना चाहिए, इसी को वॉइस कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार। सबसे पहला आपका सा जो है वो हल्का वाला सा है ना, तो मुंह तो उतना ही खुलेगा लेकिन आवाज़ अंदर से दबा लेनी होगी। पहले मैं दोनों का फ़र्क भी समझा देता हूँ, कई बार ये डिफरेंस भी लोगों को नहीं पता है कि एक होता है कि मुंह का खुलने से दम आना और एक अंदर से दम का बदलना है ना, इसमें भी फ़र्क होता है। जैसे
अभी इसमें आप देख सकते हैं मैंने मुंह बहुत कम खोल रखा है, लेकिन तो भी थोड़ा सा दम से मैं सा बोल रहा हूँ। सो अब इसको धीरे धीरे मैं खोलूंगा। सो सो आपने देखा मैंने मुंह इतना बड़ा खोल लिया, तब भी वॉइस कंट्रोल अंदर से अलग है। और यही अब देखिए मैं हल्की करके आवाज गाता हूँ। उतना ही मुंह खोल रखा है अभी भी जहां से पहले वाला शुरू किया था, लेकिन ये वॉइस कंट्रोल अंदर का है, लंग्स का कंट्रोल है, सांस के थ्रो का कंट्रोल है, आपकी आवाज का कंट्रोल है कि कैसे आप हल्का कर लेते हैं, भारी कर लेते हैं। इसका मुंह के खुलने से ताल्लुक है भी और नहीं भी है, है ना, वही डिफरेंस मैं यहाँ बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। So, पूरा मुंह खोल लिया मैंने, स्टिल मेरी आवाज हल्की है, ये कंट्रोल है और इसी की एक्सरसाइज है। ये जो 6 तरीके आपको लगाने हैं, इनका मुंह से खुलने का भी ताल्लुक है, प्लस अंदर से आप थ्रो किस तरह से कर रहे हैं आवाज, उसका भी ताल्लुक है। तो सबसे पहले थ्रो का कंट्रोल आपको लाना है और मुंह का कंट्रोल, ये दोनों जब बैलेंस बन जाए ना, तब आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं जो अभी मैंने करके दिखाया। इसमें मैंने हल्का किया सुर, लेकिन मुंह के प्रोजेक्शन का ख्याल रख के, ठीक है। अब करके देखते हैं एक बार, हल्का पूरा मुंह खोलेंगे और हल्की आवाज में सा। अब हल्की भी अलग अलग हो सकती है, एक तो एकदम ही आपकी एयरी साउंड ये एकदम एयरी साउंड है ना, थोड़ा सा और इसको भारी करें सा, ये आप देख रहे हैं मैं फेड इन फेड आउट ये कर रहा हूं। फेड आउट यानी हल्का कर देना, फेड इन यानी उसको फिर से दमदार करना, है ना। एक बार मेरे साथ गाएंगे, पहले हल्का सुर लगाएंगे बिल्कुल सा। मुंह पूरा खोलेंगे, इसी चीज का ख्याल रखें। पूरा मुंह खोल रखा है, लेकिन स्टिल आवाज इतनी हल्की आ रही है। अब सेकंड लाइन जो आप देख रहे हैं, जिसमें मोटी लाइन बनी हुई है, उसका मतलब वेव जो है थोड़ी थिक बनेगी, यानी आवाज दमखम से लगेगी। कैसे? लगाइए मेरे साथ सा। दो आवाजें हो गई, पहले हल्की वाली सा, भारी वाली सा। अब यही चीज हर सुर पे है सा, ऊंचा सुर है लेकिन कितना हल्का है सा 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 सा। मुंह उतना ही खुल रहा है, इस चीज का ख्याल रखें। अब एक मिस्टेक जो आप कर सकते हैं, आवाज बना सकते हैं, बनावटी आवाज नहीं आनी चाहिए। बनावटी गले से आएगी तो कैसी साउंड करेगी वो भी बता दूं। सा, दम लाने के लिए, भारी करने के लिए आप हो सकता है ये गले की आवाज का इस्तेमाल करें, वो नहीं करना है। पूरी सांस लेनी है, लंग्स में भरना चाहिए और अंदर से आवाज आनी चाहिए सा। नेचुरल टोन है, नेचुरल टोन उसे ही कहेंगे जो गले पर दर्द ना दे, वरना ये वाली आवाज सा आप यहां महसूस कर पाएंगे कि यहां पे कुछ डर ऐसा वाइब्रेशन हो रहा और दुखने शुरू हो जाएगा गला। लेकिन नेचुरल टोन अगर आप रखते हैं तो आपका गला दर्द नहीं करेगा। ये सारी चीजें ही तो निकास हैं, अगर इन चीज का ख्याल नहीं रखा तो कितना ही ओमकार का रियाज कर लेना, कितना ही सा लगा लेना, कितना ही थाट गा लेना, आवाज खराब की खराब होती जाएगी और सुर सधेगा नहीं। जो गहरा सुर जिसे हम कहते हैं, सुर का लगना अलग होता है, ये भी तो सुर लग रहा है ना सा, मैच तो ये भी कर रहा है, लेकिन इसमें गहराई नहीं है, इसमें मधुरता नहीं है, इसमें भाव नहीं है।
और भाव अलग अलग बदलने होंगे। आप ये नहीं कि भाई नहीं मैं तो हल्का ही गाता हूँ तो मैं तो वही करूँगा। अगर मैंने आपको कोई दमदार गीत गाने को कह दिया तो जैसे हर राग का अपना एक भाव होता है ना भाई, उस राग के भाव में यानी उत्तरांग प्रधान है, सोहनी गा रहे हैं, कलावती गा रहे हैं, और वहाँ पे भी उसी हल्केपन से मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ भाई, जिससे बात करता हूँ ऐसे ही बात करता हूँ, अगर मुझे किसी को ललकारना भी हो तो भी ऐसे ही पुकारूंगा कि भाई माँ का दूध पिया है तो बाहर आओ। तो ऐसा नहीं होगा ना कि माँ का दूध पिया अपन ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना, अपना थोड़ा दम चाहिए है, या किसी पर गुस्सा करना कि ऐसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है करने की। सो यू हैव टू बी लाउड, है कि नहीं। तो ये जब आप इसे ही वॉइस एक्टिंग कहते हैं, और एक सिंगर एक वॉइस एक्टर ही होता है, अपने स्वरों से वो भाव देता है, है कि नहीं। आप देखेंगे अरिजीत सिंह साहब को लोग बड़ा यूं ट्रोल करते हैं कि यार वो तो हर गाना सोते सोते रोते रोते गा देते हैं, लेकिन बारीकी से नोट करेंगे तो उनकी आवाज़ में भी इमोशंस अलग अलग देते हैं। उन्होंने जब वो गाना गाया, आपने सुना होगा बाकी सब फर्स्ट क्लास है, तो उसमें वो एक रोमांटिसिज्म नहीं दिखा रहे हैं, वहाँ वो एक अपना आवारगी, एक यू नो केयर फ्री नेचर, भाई जो गाने का डिमांड है, गाने की इमोशन की डिमांड है, वो केयर फ्री, तो वहाँ पे वो टोन दी। यही आप अलग अलग सिंगर्स को सुनते होंगे, किशोरदा को सुना होगा, है ना, बहुत सारे सिंगर्स हैं, सबने ये भाव दिया है, जो अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं उन्होंने ये चीज़ें करी हैं, उनके यहाँ पे भाव चलते हैं, वॉइस एक्टिंग वो करते हैं कि पर्दे पे एक्टर क्या भाव दे रहा है वही आपको आवाज़ से देने हैं, ठीक है। और आजकल तो पर्दों पे हम खुद सिंगर्स भी होते हैं, तो हमें देखना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम सिर्फ आवाज़ के नहीं, अब हमें चेहरों का भी ख्याल रखना पड़ता है, और चेहरे में ये नहीं कि मेकअप करके बैठना होता है, एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए, ये दो प्रकार के सा आपने देखे, सा, अब इसमें मैं पूरा अलंकार गा के देखें तो हम साथ में 1 2 3 स्टार्ट। सा रे गा मा पा ध नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा, अब दम वाला 1 2 3 स्टार्ट। सा रे ग मा पा ध नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा, ठीक है। तो ये दो आपको मालूम चल गया, इन्हीं दो पर आधारित हैं आगे की जो चार और तरीके हैं, इसीलिए इन दो को मैं ज़्यादा अभी गौर कर रहा हूँ कि पहले हल्का कर लो, भारी कर लो, भारी कर लो, हल्का कर लो, शिफ्ट कर करके देख लो, क्योंकि अगले वाले में जैसा कि आप लाइन देख सकते हैं हल्के से भारी की ओर जा रहा है, यानी और उसी पर एंड करना है, है ना। फिर से देखिएगा कि कैसे ये दृश्य बनना चाहिए, विजुअलाइज कीजिए स्वर को कि कैसे आवाज विजुअलाइज करेंगे, तो ये लाइन आपको वहां विजुअलाइज होगी, हल्के से भारी की ओर। अब ये दो तरीकों से हो सकता है, एक तो जैसा मैंने अभी किया छोटे मुंह से बड़े मुंह की ओर, अब बड़े ही मुंह में रहेंगे और उतना ही मुंह खोलेंगे और आवाज से कंट्रोल करेंगे, ये करके देखें तो मुंह का शेप नहीं बदला, स्वर नहीं बदला। जैसा कि मैंने एक वीडियो पूरा दिया था इस पे कि स्वर लगाने के 3 स्टेजेस होते हैं, पहला उस सुर का लगना, फिर उसका टिकना, फिर उसका छूटना। तो लगे तो सटीक उसी सुर पे लगे, और टिके तो उसी सुर पे, फ्लक्चुएट ना हो ऊपर नीचे, इमेजिन कर सकते हैं, अब आपको फ्लक्चुएशन नजर आ रहे होंगे, है कि नहीं। तो ये ना हो और छूटे भी, तो ऐसा नहीं कि ये नीचे नहीं उतरना या सा, है ना, इतना ये जो पूंछ छूटनी चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अब ये समझ लीजिए वो जब आ जाता है तब ही ये कर पाएंगे आप। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि जब अलंकार गायकी होती है तो उसे अलंकृत नहीं करते हैं, यानी वहाँ कोई ऑर्नामेंट नहीं लगाते हैं। जैसे कि हमने अभी सारे गमा पधनी सा गाया, तो इसको गाने का ये भी तरीका था, सारे गमा पधनी, लेकिन हम कैसे गा रहे थे, सा रे ग मा पा ध नी सा, फ्लैट, एकदम सीधा सीधा, यानी पहले फ्लैट में कंट्रोल पैदा कीजिए, है ना। उसके बाद आपके हाथ में होना चाहिए ना कि भाई यहां मीड लगानी है या नहीं लगानी, आपके हाथ में, ऐसा नहीं कि भाई ये तो लगती ही है यहाँ पे गले में, कंट्रोल ही नहीं है, है ना, वहां लग ही जाता है कण, वहां लग ही जाता है खटका, ये नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हर राग के अनुसार, हर गीत के अनुसार वो चीज बदलेगी, वो ऑर्नामेंट बदलेगा, हर ड्रेस के अनुसार आपके ऑर्नामेंट्स भी तो बदल ही जाते हैं, ज्वेलरी बदलती है, मेकअप बदलता है, तो भैया संगीत में भी यही चीज़ है, हर भाव के अनुसार, वहाँ गमक की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों दे रहे हैं आप, आपके गले में आ गई है कि आप तो ऐसे ही गाते हैं। अब मैं अगर कह दूँ
ये भी तो आना चाहिए। अगर तान है ना, ये दोनों बैलेंस आना चाहिए कि नहीं, तो ये बैलेंस इसी से आता है जब ऐसी एक्सरसाइजेज आप करते हैं। इसको अलंकार में भी कीजिएगा, लेकिन अलंकार में तब कीजिएगा जब सा पर ये तरीके आ जाएं, उसके बाद आप अलंकार में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या देखा, ये गया है ना, फिर से करके देखेंगे एक बार। अब इसका उल्टा, मुंह पूरा खोलिएगा, ऐसा नहीं कि वो कम मुंह से ज्यादा मुंह वाली टेक्निक इस्तेमाल कर ली, नहीं, मुंह पूरा लेकिन वॉइस का कंट्रोल। सा फिर से सुने, सा उतना ही मुंह खोला है और हो गया है ना, ये चीज आपको आएगी। उसके बाद अगला देखिए, ये जा रहा है, फिर फूलता है, फिर ये हो जाता है, यानी पतला फिर मोटा, फिर एंड उसको पतले पर करना है, शुरू और एंड पतले से होगा यानी हल्के से होगा। सा ख्याल रखने वाली क्या बात है, वही सुर की तीन स्टेजेस, एक ही सुर पे रहना चाहिए मामला ये। हम अक्सर क्या करते हैं, जब मैं आपको कहता हूँ वह ओम का रियाज कीजिए, या एक ही सुर पे बार 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 अक्षर बदल के रियाज कीजिए, तो स्वर बदल जाता है ना, हम क्या करने लग जाते हैं, एक सुर आधा सुर ऊपर चढ़ जाता है, कभी कोमल ऋषभ हो जाता है, या फिर कभी सा और कोमल ऋ के बीच में श्रुति चढ़ जाती है। तो ये ख्याल रखना है, कितना भी फास्ट हो जाए स्वर नहीं बदले हमारा। एक ही सुर पे रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इस चीज की। ठीक है, चलिए फिर से करके देख लेते हैं, पतले से मोटा, मोटे से फिर से पतला आएंगे, और ये सुर न बदले एक ही सुर पर, करके देखेंगे साथ में। सा ठीक है, फिर इसी का ऑपोजिट, भारी से पतला, पतले से भारी। सा अब ये आप चाहें तो वहाँ कट नज़र भी आ सकता है, और चाहें तो वो फ्लो में भी हो सकता है, ये भी दो तरीके हैं। ये मैं इसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वरना ये छह तरीके आप अजय जी के वीडियो से भी सीख सकते थे, जैसे मैंने सीख लिए, समझ लिए तुरंत ही, मुझे पूरा सेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये बारीकियाँ कि आवाज़ लग कैसे रही है, वहाँ बदलाव कैसे होगा, ये समझ की बात है। तो मैंने क्योंकि संगीत में समय बिताया है, गुरुओं की संगत की है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं जल्दी समझ जाता हूँ, और बिगनर्स को वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, और कुछ नहीं। मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सर्वज्ञानी हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, या ये मेरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। इट्स जस्ट अ हेल्प कि अगर मुझे कोई चीज़ जल्दी समझ आ जाती है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं होगा अगर मैं दूसरों को अगर वो चीज़ सिखा देता हूँ या समझा देता हूँ। फिर उसके लिए लोग भले मुझे ताने मारें, या भले ये कहें कि तुम्हें खुद को तो इतना कुछ आता नहीं है, तुम कौन सा बड़े अच्छे सिंगर हो जो तुम सिखा रहे हो, वो मैं ताने सह लूँगा। क्यों? क्योंकि लोगों की मदद हो जाती है, जो ताने मार रहे हैं उनकी नहीं सही, मगर जो नहीं ताने मार रहे हैं उनकी मदद हो जाती है, तो उनके लिए ये वीडियोस बनाता हूं मैं, है ना। मैं ये कभी भी मैंने क्लेम नहीं किया कि ये टेक्निक मेरी मास्टर्ड की हुई है, कि मैं ये मुझे सब बड़े अच्छे से आता है, नहीं, मुझे भी तो करना ही पड़ता है ना। और कई चीज़ें हैं जो मैं नहीं भी कर पाता हूं, कई चीज़ें हैं जो मेरी क्षमता में नहीं है, कि मैं उतना रियाज नहीं करूंगा तो मुझे भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ टेक्निक उसकी तासीर होती है, उसका असर होता है, तो वो टेक्निक आगे बढ़ाना ये मेरा काम है। ठीक है, आखिरी वाली पे फिर से काम करते हैं, मोटे से हल्का, हल्के से मोटा, और दो तरीके, जो कट की बात कर रहा हूं वो कैसे आ सकता है, आप कैसे मिस्टेक कर सकते हैं वो देखिएगा। सा आ, ये वो कट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं आना चाहिए, ग्रेजुअली वो कम हो और ग्रेजुअली ही जाए, इसीलिए वो कर्व है, वरना वो स्ट्रेट लाइन होती। अगर इसको ऐसे ही बताना होता, कट ही करना होता, तो ये ऐसे होता, लेकिन नहीं, ये है कर्व है, तो कर्व का वही मतलब है। ठीक है, कि हल्का हल्का फेड आउट, हल्का हल्का फेड इन। सा रे ये मैंने रे पे क्यों करके दिखाया, क्योंकि अब तक हम ये सब आकार में कर रहे थे, और सारे गमों में आकार, एकार, ईकार और अकार,
ये सारे आते हैं, यानी सा, रे, ग और नी, है ना। मपधा तो अकार ही है, तो उन सब में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग थाटों में अप्लाई कर लीजिए, अलग अलग पिचेस में अप्लाई कर लीजिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कोई भी टेक्निक मैं सिखाता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी समझ कि कैसे वो उसको इसके साथ भी मिला ले, इसको लय के साथ मिला ले, इसे ताल के साथ मिला ले, हैं, या अलग पिच के साथ, अलग आवाज़ के साथ, सबके साथ मिला ले। इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, उसकी क्रिएटिविटी, बिकॉज इट इज़ द स्टूडेंट हु इज़ लर्निंग, इट्स नॉट आई हु इज़ टीचिंग। मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ कि ये ऐसे करना है। अब उसको किस किस के साथ करना है, वो सारे एग्जांपल्स तो मैं कवर नहीं कर सकता ना इस वीडियो में। मैं अक्सर अभी आप देख रहे हैं, हाल फिलहाल में मैं वीडियोस बहुत लंबे बनाने लग गया हूँ। पहले 10-15 के होते, 10-15 मिनट के होते थे, अभी आधे आधे घंटे के वीडियोस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे मिस्टेक्स कवर करनी पड़ती हैं, वो मिस्टेक्स जो स्टूडेंट कर सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट हो जाए, कि मतलब ये देख के आपको ये टॉपिक समझ आ ही जाए, और मिस्टेक्स भी अगर जो इन फ्यूचर आप करने वाले हैं वो भी कवर हो जाएं, जो आपके सवाल आने वाले हैं वो भी कवर हो जाए। इसीलिए मैं वीडियो की लेंथ पर नहीं जा रहा हूँ, या ये नहीं देख रहा हूँ कि यार ये वीडियो बड़ा बन जाएगा तो देखेगा कौन, व्यूज़ कहाँ से आएंगे, है ना। अब वो पैटर्न नहीं, व्यूज़ आने थे, जो आ गए मेरे जो फजूल वीडियोज़ मैं बनाता हूँ आप ही लोगों के लिए, उन पर व्यूज़ आते हैं, जिसमें फालतू के जवाब होते हैं कि सिंगर को बाल क्यों लंबे रखने हैं, जल्दी से जल्दी कैसे बनना है, हैं कितने दिन में बन जाते हैं सिंगर, हैं नाक सांस नाक से लेनी है तो छोड़नी कहाँ से है, ये जो सारे सवाल हैं उन पर मैंने वीडियोज़ बना दिए हैं, व्यूज़ मैंने उससे कमा लिया है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़े ऐसे डिटेल वीडियोस पर भी मुझे काम करना चाहिए, ठीक है। तो एक ये प्रैक्टिकल वीडियो था, जल्द ऐसे मैं और भी आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अगर मदद होती है किसी की तो आई विल बी ग्लैड, आई विल बी ब्लेस्ड, ठीक है। शुक्रिया।